बेलपत्री के कर रहा है, वो बेलपत्री का कर तो रही हो पर प्रमाणित नहीं है कहीं। मैंने बेलपत्र का करा, अब उसको देखकर उसने दूसरी ने करा, दूसरी ने करा तो मालूम पड़े वो बेचारी 4-6 दिन तो हॉस्पिटल में पड़ी रही, बीमार हो। होता है कई कई जगह, यहाँ तो खैर किसी ने नहीं पूछा कि महाराज जी अगर हमारे अभिषेक कराने वाले जयपुर वाले महाराज जी से पूछा हो कि हम अभिषेक में बैठेंगे तो हम कुछ खाएं कि नहीं खाएं, ये पूछा हो तो बात दूसरी। पर कई जगह कथा करने जाते ना, वहां पूछते कि जजमान हम गुरु जी जजमान है तो हम पूजन करें जब तक कुछ खाएं कि नहीं खाएं, तो हम सबसे पहले पूछते पहले ये बताओ तुम्हें शुगर तो नहीं है कि गुरु जी है, बीपी वो भी है, तो हम एक ही बात कहते तुम तो एक काम करो सा पूजन पाठ बाद में होगी पहले डट के खाओ, नहीं तो मालूम पड़े तुम व्रत रख लो और बीपी ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर ऊपर नीचे हो जाए, तुम पड़े हॉस्पिटल में और महाराज बाचे कथा, तो कौन मतलब की कथा। आज ही की बात है, ऊपर वो स्वामीनारायण मंदिर में हम ठहरे, अब एक अम्मा लगभग होगी उसकी उम्र 75-80 साल की, 70-75 की तो होना चाहिए, अब ऊपर आ गए, अब भापड़ी भर रही, मैंने कहा आराम से बैठ, पहले बैठो, हमने कहा काय को आई, एक बात पूछना थी, बोलो, पूछना ये था कि हम शंकर जी के लोटा से पानी चढ़ा है कि टोटी वाला लोटा से चढ़ा है। मैंने कहा रेंद्र तू पहले पानी पी ले फिर टोटी वाला लोटा की बात करेंगे, तब पहले पानी। मैंने कहा आशीष तू अंदर जा रहे, पहले अम्मा को पानी पिला, इतनी ऊपर आई है और ऊपर चली गई तो आफत हो, तू पानी लाए सो, और साथ में केती जा रहे, आग लगे बर्फानी बाबा ने इतनी ऊपर ठहराया, अब उसकी बात सुनो, एक तो वो राजस्थानी में बोल रही और गजब की बोल रही बात, आग लगे इतनी ऊपर ठहराया, नीचे ही ठहरा देते इनके बाप का क्या जाता। हमने कहा माँ बर्पानी सेवा संस्थान ने ये विचार करा कि महाराज ऊपर रहेगा तो अच्छा रहेगा, तुम लोग आराम से कम 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आओगी, घर में तो कोई एक्सरसाइज करती नहीं, तो थोड़ी बहुत चढ़ के आओगी तो बर्पानी सेवा संस्थान को ये आनंद होगा। अब उनको क्या मानना था कि तू 75-80 साल की और तेरी हापड़ी भरा है तू इतनी ऊपर आ गई। अब हमसे बोली नीचे कैसे उतरूंगी, अब ये सारे छोरा उन तो गए थे मेहंदीपुर वाला जी दर्शन करने, अब केवल एक आशीष और हम, हमने कहा आशीष दरवाजे बाहर से लगा जा, तू पहले इसको नीचे उतारी तू जा। अब वो आशीष का कंधा पकड़ी, 3-4 बार तो बेचारा आशीष ही गिरते गिरते बच गया। तो कहे आशीष बोला गुरु जी एक काम करेंगे, कल से अपन बिल्कुल नीचे है ना जो स्वामीनारायण का हाल है ना उसमें अपन जो है कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, इतनी ऊपर बेचारी डोकरी और कहीं चली गई तो आफत हो गई। तुम तो नीचे एक प्रश्न यहां पर भी हो, टोटी का लोटा हो, ए अम्मा ने तो नहीं लिखा रही, पत्र अम्मा जी ने लिख दिया, उन्हें तो है माता जी ने, इसमें लिखा है शिव बाबा पर जल लोटे से चढ़ाएं या रामा झारा से। लोग कहते हैं रामा झारा की टोटी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, शंकर भगवान को जल या किसी भी देवी देवता को जल जो रामा झारा होता है, हाँ यदि उस झारे के अंदर एक उठाने का कुन्ना लगा हो तो वो कमंडल गंगाजली का भाव ले लेता है। महाराज ध्यान देना, हो उसमें टोटी लगी हो आप लोगों को क्या बताएं, जैसे शिव जी के पास में कमंडल होता है उसमें टोटी लगी होती है, मान लो यहाँ गंगाजली पहले समय में जो गंगाजली आती थी उसमें टोटी लगी हुई आती थी, तो वो गंगाजली का स्वरूप होता है। रामा झारा जो होता है उसमें
पकड़ने का कुंदा नहीं होता। रामाधारा से जल शंकर को जो चढ़ाया जाता है उसमें हमारे पुण्य की छिन्नता रहती है महाराज, उसका कोई फल नहीं है। कलश जैसा भी हो महाराज, कलश का मतलब आप सब जानते हो ना, अच्छे से बोलो तो जानते हो ना, कलश का मतलब होता है जिसका मुखाग्रबिंद खुला हुआ हो, मुखाग्रबिंद जिसका खुला हुआ हो। जैसे एक और सरल भाषा में समझो, अब आप लोगों को तो मालूम है कि नहीं मालूम, पर पुरुष वर्ग ये अच्छे से जानते हैं, जब मुर्दे को आग लगाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जो विद्वान होते हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि इसके शरीर पर जितने बंधन बंधे हों सब खोल दिए जाए। यहां पर है कि नियम की नहीं पता नहीं, पर जितने उसके शरीर पर बंधन होते हैं, कहीं मोली बंधी हो, नाड़ा बंधा हो, माला बंधी हो, सबको तोड़ दिया जाता है। उसको अंतिम संस्कार करने से पहले उसके सारे बंधन खोल दिए जाते हैं। क्यों? वो बंधनों से मुक्त होकर फिर जाए तो दूसरी बार संसार सागर में बंध है ना। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कलश की महत्वता देते हुए अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया और गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा गया कि कलश से जिसका मुख बड़ा होता है, ऐसे कलश से भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान को जब स्नान कराया जाता है, भगवान को जब अर्घ दिया जाता है, तो जैसे ही पात्र जल चढ़ाने का खाली होता है, भगवान अपनी दृष्टि उस जल पात्र में देता है और उस पात्र को धन और वैभव से भर देता है। इसलिए उस पात्र का मुख दिखना चाहिए। अब रामाधारे का जो है ऊपर हमने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उसमें मुख दिखा भी सरी, पर भगवान ने जो दिया वो रामाधारा की टोटी से वापिस नीचे निकल गया। अब मिला तो पुण्य कुछ भी नहीं, उसकी पुण्यता नहीं। तो जो कमंडल वाला आता है, आपने कमंडल देखा है ना, उसका उसमें का टोंटी वाला कमंडल होता है, उसमें एक ढक्कन लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ढक्कन लगा होता है, जब जल चढ़ाते हैं तो उसको ढक्कन को बंद कर देते हैं, उसका प्रतिबिंब उसका फल गंगा जली का। पर रामाधारे का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं। आप कलश लो, लोटा भरकर खूब जल चढ़ाओ, खूब प्रेम से चढ़ाओ, मना नहीं, पर उसका कोई महत्व तत्व महाराज। तो जहां भी बैठी हो अम्मा माताजी, बड़े प्रेम से सुन लीजो, दूसरी बात ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव से श्रवण करो। पार्वती मैया नित्य प्रति स्नान, गंगा जी को लगा, भगवान शंकर ने कहा गंगा गलती तेरी है कि तूने कान लगा कर क्यों सुना, अगर कोई बात कर रहा है तो तुझे कान लगा के सुनने की जरूरत क्या। दो सहेलियां बात करें, पति पत्नी बात करें, परिवार के लोग बात करें, आपको अगर कहें तो आप सुनो, नहीं तो मत सुनो, क्यों सुना। हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कहीं सत्संग चल रहा हो, भजन चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, नाम जाप चल रहा हो, नाम स्मरण चल रहा हो, तो खूब कान लगाकर सुनो, मना नहीं है, पर अगर कहीं निंदा चल रही है तो ना सुनो, कुछ अपशब्द कहा जा रहा है उसको धारण ना करो। क्यों सुने? अब जब कुछ सूझे ना, जब कुछ भान ना हो, मौन हो जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुख है हमारी जिंदगी में और संकट कटी नहीं रहा, बहुत तकलीफ है गुरुदेव, बहुत तकलीफ, इतनी दुख है, इतनी तकलीफ है, कुछ उपाय बताओ। तो हम तो एक निवेदन करेंगे कि जब सब जगह से दरवाजे बंद हो जाएं, आप हार जाओ, थक जाओ, सोचो, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में कहीं एकांत में बैठकर नंदी की ओर देखकर नंदी के ईश्वर भगवान का स्मरण कर उसका स्मरण करते हुए मौन होकर थोड़ी देर बैठना, अपने हृदय की बात नंदी के ईश्वर भगवान से कहना, अपने हृदय की बात। आप लोगों ने क्रिटिकल करा होगा, एक बोतल में पानी है और उसमें कचरा है, मट्टी भर गई है और पानी है उसमें, अब तुम पीने के लिए उठा रहे हो तो पानी कचरा आ रहा है,
तो जिसमें समझदारी होगी वो क्या करेगा, पहले बोतल को थोड़ी देर, अरे जम के तो बोलो, रख देगा। रखने से क्या होगा, एकदम जब शांत उस पानी को रख दिया, एकदम शांत मट्टी मिले पानी को, कितना भी मटमेला पानी हो, कितना भी गंदा पानी हो, कितना भी उसमें कीचड़ पड़ा हो, कितनी भी गंदगी पड़ी हो, उसको थोड़ी देर शांत रख दो, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो मिट्टी है, उसकी जो कचरा है, वो नीचे जम जाएगा, स्वच्छ पानी ऊपर रह जाएगा। अपनी जिंदगी के साथ में भी यही होता है, थोड़ी परेशानी ज्यादा आ गई, कष्ट ज्यादा आ गया, बीमारी ज्यादा आ गई, तकलीफ ज्यादा आ गया, ज्यादा कुछ परेशानियां हमारी जिंदगी में अगर आ गई है, तो एक काम करना, थोड़ी देर शांत होकर शंकर के सम्मुख में नंदीकेश भगवान के सामने बैठ जाना, 2 दिन 15 दिन 8 दिन उस नंदीकेश्वर का स्मरण करना, उस नंदी भगवान का स्मरण करना, और नंदीकेश्वर भगवान का स्मरण कर मन करे तो एक बेलपत्री जो नंदी का पांव पीछे हो, उस बेलपत्री को समर्पित कर अपने दिल की बात मौन होकर चित्त वृत्ति को धारण कर शांत, कुछ मत करना, शांति से बैठकर एक बेलपत्र उस नंदीकेश्वर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करना, फिर आगे बाबा भोलेनाथ की मर्जी कि वो कीचड़ कैसे साफ करता, वो शांति कैसे देता, वो आनंद की अनुभूति कैसे कराता। जैसे कीचड़ मिला हुआ पानी भी शांत रखने पर कीचड़ नीचे हो जाता है, निर्मल जल ऊपर आ जाता है, उसी तरह नंदीकेश्वर भगवान का मौन आनंद सुख हमारे जीवन में भी दुख और तकलीफ को नीचे दबा देता है और निर्मलता का भाव ऊपर उठा देता है। आपका केवल स्मरण चित्त वृत्ति आनंद देगा। भाव शुद्ध हो तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती। गंगा तूने गलती करी, गंगा पर मेरी बहन ने मेरे साथ छल तो करा, आज मेरी बहन ने मेरे साथ छल तो करा है ना। बोले ना, शंकर भगवान की कथा कहती है पार्वती के लिए कि हे गंगा, जो नजदीक में होता है वही समय पर धोखा देता है। और सरल भाषा में समझना, क्रिकेट का मैच देखा है कभी आप लोगों ने? बोलो तो, देखा है ना। जो बैट उठाकर गेंदों को चौका और छक्का कुदाता रहता है, उसके करीब में पीछे बिल्कुल पास में स्टंप से लगा हुआ कैच करने के लिए खड़ा रहता है। जितनी भी गेंद फेंकी जाती है, जो पीछे खड़ा होता है उसी के पास में फेंकते हैं कि ये तुरंत उसको स्टंप से लगा दे। जो नजदीक में होगा वही आउट करेगा, ये क्रिकेट का मैच कहता है। दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि तुम कितना कमा रहे हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितना कमाया, कितना कमाया, क्या करा क्या नहीं करा, दूसरे को किसी से मतलब नहीं है। कोई अपना होगा जो नजदीक में खड़े होकर कब बॉल को उठाकर स्टंप से लगा देगा और तुमको बर्बाद कर देगा, कोई नजदीक में खड़ा हुआ। इसलिए क्रिकेट के मैदान में भी एक को पीछे खड़ा कर दिया जाता है कि अपना ही चोट देकर चले जाए, यही हरा गया। एक तरफ सुनार की दुकान, एक तरफ लोहार की दुकान। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने को अग्नि में तपा कर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा कर कूट रहा है। तभी सोने के मन में विचार आया कि मेरे को अग्नि में तपाया गया, इस लोहे को अग्नि में तपाया गया, मुझे कूटा गया, इस लोहे को कूटा गया, पर मुझे कूटने पर सोना मन में सोचता है कि मैं आवाज नहीं चिल्लाता, मैं आवाज नहीं लगाता, पर लोहे को जब कूटा जाता है तो लोहा कितनी तेज तेज चिल्लाता, ऐसा क्यों? तब लोहे का एक टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान में चले गया। जैसे ही सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, रे भाई लोहा, तू भी धातु मैं भी धातु, मैं पीला तू काला, मुझे भी अग्नि में तपाया तुझे भी अग्नि में तपाया, मुझे भी कूटा तुझे भी कूटा, मुझे कूटने पर मैं आवाज नहीं करता सोना कहता है, पर लोहा तुझे कूटने पर तू इतनी तेज आवाज क्यों करता है? तो लोहा कहता है, रे सोने, तुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है,
मुझे जो मार रहा है वो लोहे का हथौड़ा है, जब अपना अपने को चोट देता है तो आवाज तो निकल ही जाती है, बद्दुआ तो निकल ही जाती है, आहें तो निकल ही जाती है। इसलिए सुनार की दुकान में आवाज नहीं आती, पर लोहार की दुकान में लोहे के फूटने की आवाज आती है, क्योंकि लोहा लोहे को जब मारता है तो बद्दुआ तो निकलती है, आहें तो निकलती है, आवाज तो निकलती है। जब अपना अपने को चोट देता है तब आवाज निकलना प्रारंभ होती है। दूसरा चोट देगा सहन कर लोगे, और अपना चोट देगा तो सहन नहीं कर पाओगे। कठिन है सहन करना। गंगा करें मेरी बहन पार्वती है, पार्वती मेरी बहन है और इसने ऐसा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं तो किसी को दोष मत दे गंगा, तू क्या चाहती है ये बता। गंगा जी कहती हैं मैंने तप करा था आपको पति बनाने के लिए, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी। शंकर भगवान कहते हैं गंगा पर मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता। गंगा ने पूछा क्यों, शंकर भगवान बोले गंगा अगर तू मेरी अर्धांगिनी बनती तो मेरे पास में बैठती, पर तूने इतना तप करा है इतनी साधना करी है कि मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूँ, इसलिए तुझे पत्नी नहीं बनाना चाहता, तू मेरे मस्तक पर बैठ जा। गंगा कहती है प्रभु आप बातों में मुझे जीत रहे हो। शंकर भगवान के जीतने वाली बात नहीं, तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। गंगा कहती है अगर आप देना चाहते हो तो मुझे दो वर प्रदान कर दीजिए। पहला वर कि गंगा के जल में जब तक किसी की अस्थियां पड़ी रहेगी, जितने दिन गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की अस्थि पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ में बैठी रहेगी। आप वर दीजिए किसको बैकुंठ का राज्य मिलना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा कपटी क्यों ना हो, प्रपंची क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, कितना भी जगत में उसने पाप करा हो, अगर उसके मरने के बाद उसकी अस्थियों को गंगा के जल में डाला जाएगा, जितने दिन तक गंगा के जल में वो अस्थि रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ का भोग भोगेगी, आप मुझे वर दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु। पर जरूरी है क्या कि मरने के बाद तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अस्थियों को गंगा जी ले जाएंगे। अरे बोलो तोरी जीजियो पक्का है। और ये कोरोना महामारी जो आई और जिन जिन की हड्डियां थी वो कांग गई, उनने भी तुम्हारे जैसी मुंडी हिलाई थी, हाँ हमारा छोरा तो ले जाएगा, तो उनकी हड्डियां नहीं मिली। फिर क्या करोगे, अभी को जीवन का भरोसा है। अरे बोलो तो दीजिए जी, जीवन का कोई ठिकाना है। आज तुम तो कह दो कि हमारी अस्थियां हमारा छोरा ले जाएगा गंगा जल, गंगा जी, और मालूम पड़े तुम इधर अभी वो केदारनाथ जी में त्रासदी मची उस समय पर सब हड्डी तो हड्डी इंसानी नहीं मिलिया कहां गया बताओ। ऐसा कभी योग संयोग, ये तो संसार सागर है भाई, भगवान को तो अपना वहां पर कोटा पूरा करना रहता है, तो देख लेता है कि कोटा कैसे पूरा करना है उनको, तो बस उन्हें तुरंत उसी समय पर जैसे कोरोना महामारी को भेज दिया, उनकी मर्जी वो तो ऊपर यमराज से पूछते हैं देखो जरा सिंहासन कितने खाली हैं। तो उन्होंने कहा साहब अभी तो बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कहा एक काम करो एक बीमारी भेज दो, कोरोना कोरोना बीमारी भेज दी, और भेजते से उन्होंने उठाना चालू कर दिया ऊपर भरा गया, तो उन्होंने कहा बंद करो इतने दिन से वैक्सीन तैयार नहीं हुई, तुरंत तैयार कर दी लो जब। तो वहां उसकी चिंता छोड़ो उसके हाथ में, फिर करें क्या कि मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भेजे कि नहीं भेजे। एक काम करो मरने के बाद जाएं ना जाएं
शिव पुराण कहती है जिंदगी में एक बार जीते जी गंगा नहाकर आ जा। तो पूछा क्यों, तो महाराज लिंग पुराण कहती है जीवन में अगर जीते जी भी एक बार गंगा नहाकर आ गए तो मरने के बाद हड्डी भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा खुद आकर तुम्हें लेकर चली जाती है। जीते जी एक बार गंगा, पर प्रेमवश जाना, गंगा के दरवाजे जाओ तो प्रेमवश जाओ। स्नेहवश जाइए, गंगा तुझे वर देता हूं, मांग दूसरा वर क्या चाहिए। गंगा कहती दूसरा वर मुझे ये दे प्रभु, मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाए। शिव जी ने कहा गंगा मैं तुझे वर देता हूं, कोई गंगा के घाट पर स्नान करेगा, गंगे हर या हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा, हर हर गंगे जब कहेगा तो एक हर गंगा का स्वामी है तो दूसरा हर पार्वती का स्वामी है। और गंगा मैं तुझे वर तो देता हूं क्योंकि तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ रहा है, तो चिंता मत करना, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं होगी, पार्वती के गर्भ से संतान नहीं है गंगा, अगर शंकर की संतान होगी। महाराज गंगा तेरे जल से शंकर की 11 संतानें जन्म लेगी, तो चिंता मत कर, भले तू अर्धांगनी नहीं मेरी पर मैंने तुझे मस्तक पर बिठाया है, मेरे बच्चों का लालन पालन मेरे बच्चों का परवरिश तू करेगी। और गंगा के जल से हुआ, जिस समय भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर सूर्य नारायण अग्नि नारायण ने ले जाकर गंगा के जल में दिया, गंगा मैया की 6 धार से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। जब 6 पुत्र एक साथ जन्म लिए तो गंगा जी ने सोचा इन पुत्रों को पालूं कैसे, एक साथ रोते एक साथ दूध पीते, गंगा मैया परेशान हो गई। तो गंगा जी ने संतों की पत्नियों को बुलाया, कृतिकाओं को, एक कृतिकाओं जरा आइए। कृतिका ने आकर कहा बोलो गंगा जी, गंगा जी बोली मैंने 6 पुत्रों का पालन करूं। अब कृतिका जी 6 पुत्रों को लेकर चली गई, एक रोए तो 6 ही एक साथ रोए, पानी पिए तो 6 ही एक साथ पिए, दूध पिए तो 6 ही एक साथ पिए, कृतिकाएं परेशान हो गई। कृतिकाओं ने गंगा जी से कहा गंगा हमसे तो ये बच्चे पल नहीं रहे, क्या करें। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो, इनको यहाँ घाट पर सुलाओ। 6 बालक को घाट पर सुलाया, गंगा जी ने कृतिकाओं से कहा हाथ में जल लो और अपने अपने पतियों का स्मरण करो, तुमने पतिव्रता धर्म का पालन करा है, पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणारविंद का रस तत्व तुमने ग्रहण करा है, अपने पति को अनुमोदन कर इनको एक कर दो। कृतिकाओं ने हाथ में जल लेकर अगर हमने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 रह गए, शरीर एक हो गया, कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया, कार्तिक के नाम। 6 पुत्र जन्म लिए। अब पार्वती जी को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के तेज पुंज से गंगा के जल से बालक उत्पन्न हुआ, पार्वती जी गईं। माता पार्वती गई, जो देखा अग्नि नारायण सूर्य नारायण को देखकर क्रोध में लाल हो गई पार्वती मैया और कहा रे वाह रे प्रभु वाह, गजब करा रे अग्निदेव सूर्यदेव, गजब करा तुमने, मेरे पति के तेज पुंज को तुमने गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि में आओगे, तुम्हें कबूतर की योनि लेना पड़ेगी और भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा।
हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें दो कबूतर के फोटो हैं, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने तीन बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया, उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, बीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र कहता, परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देते हैं। उसका कारण यह है, केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता है, पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा होगा। केवल धर्म को भ्रष्ट कर दिया। शास्त्र कहता है, कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसकी यहाँ एक रुपए कमाओगे सवा रुपए खर्च वाला काम चलता है, पैसा घर में टिकता नहीं है, और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में चार लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, दो भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चाहिए। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही है, कबूतर की बीट उसकी यहां पड़ गई, श्रापित। तो हमारे यहां फिर इसका वर्णन क्या करा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, शंकर भगवान पर कलश के अंदर थोड़ा सा कपूर और काली तिल जल में डालकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस जल को कटोरे में झेल कर लाया जाता है घर की छत पर, उसको महीने दो महीने में एक बार छीटा जाता है, जिससे घर से बीमारी अशांति ये सब शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ती है। जिसकी यहाँ कबूतर की बीट गिरती है उसके लिए, सबके लिए नहीं, जिसके यहाँ कबूतर आके बैठते हो, बीट करते हो, गंदगी करते हो, उसके लिए महीने दो महीने में चार महीने में एक बार करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव स्मरण का इसलिए तो बारंबार हम शंकर का अनुमोदन करते हुए स्मरण करते हुए, माता पार्वती स्वयं कह रही है कि कबूतर की योनि में तुम जाओ। कार्तिकेय जी को लेकर माँ चली गंगा जी से, कहा कार्तिकेय बाबा ने पूछा, माँ मेरी मेरे को आज्ञा करो, मेरे को करना क्या है, क्या करूं मैं, बताइए आप, मैं करूं क्या, आप बोलिए। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा जन्म लेने का एक कारण है कि तुम्हें तारकासुर का संहार करना। तो कार्तिकेय जी ने प्रश्न बड़ा सुंदर करा कि मैं तारकासुर को क्यों मारूं, क्या तारकासुर को कोई दूसरा नहीं मार सकता था,
पार्वती जी ने कहा यह तारकासुर साधारण नहीं है, इस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है, तो इसने देवताओं से वर प्राप्त करा था कि अगर मैं मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि भगवान के द्वारा अगर मेरे प्राण छूटेंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मैं शिव की भक्ति करूं, शंकर का अनुमोदन करूं तो मिले। महाराज भगवान की भक्ति भाव से अगर करी है तो मिला। भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है, आप भाव से उसको रिझाएंगे वो प्राप्त हो जाए। उसको पाने का एक तरीका केवल निर्मल। गए तारकासुर को मारने कार्तिकेय, जब तारकासुर के सम्मुख में पहुंचे और तारकासुर ने जब देखा भगवान शिव को पुत्र के दर्शन, जब तारकासुर ने करे और दर्शन करते से ही तारकासुर ने देखकर भगवान शंकर के पुत्र को नमन किया। भले सामने शत्रु खड़ा पर हे शिव का पुत्र, और कोई साधारण नहीं है महाराज, देवताओं की सेना का सेनापति है श्री कार्तिकेय जी महाराज, सेनापति। सारे देवताओं के युद्ध का अगर कोई निर्णायक मंडल आनंद कराने वाले हैं तो वो कार्तिकेय जी महाराज, कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता। तारकासुर ने प्रणाम किया, नमन किया और जैसे ही कार्तिकेय जी ने कहा आप हमें जानते हैं, तारकासुर कहता मैं जानता हूं मैं आपको अच्छी तरह से, आप शंकर भगवान के पुत्र हैं, मैं तो चाहता था, मैंने वर मांगा था भगवान से अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं, तो मैंने तो वर मांगा, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मैं काशी वाले रे, अब तो हो वाले रे।
तस्वीर देखी है जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी तब से बदल गई है तकदीर मेरी जब से बदल गई है तकदीर मेरी ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे मेरा दिल ओ काशी वाले ओ मेरा दिल तुझे कुर्बान ओ काशी वाले रे ओ मेरा दिल तुझे तुझे करूंगा हो काशी वाले रे Hey, boy!
कार्तिकेय को देखकर तारकासुर कह रहे हैं कि आपका दर्शन करने के लिए तो मैंने वर मांगा था कि मुझे शिव का पुत्र ही मारे, कोई दूसरा नहीं मारे, मुझे शंकर का पुत्र ही मारे। इस सारी उम्र गुजर गई, तारकासुर कहता है केवल आपका दीदार करने के। केवल आपका दर्शन करने के। अब तारकासुर और कार्तिकेय जी का युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में तारकासुर मारा भी गया। तारकासुर के तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने विचार करा, यदि हम देवताओं से द्वेष करेंगे मारे जाएंगे, एक काम करो, पिताजी का बदला तो लेना है अपने को। और पिता का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले देवताओं का भजन करो, देवताओं से वर मांग लो, और वर मांग लेंगे तब अपन देवताओं पर फिर आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करेंगे तो देखा जाए, तब युद्ध का बात ठीक है। देखो तारकासुर के पुत्रों ने कितनी अच्छी सोच रखी कि पहले अपन तप करो, साधना करो, वर प्राप्त करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या हुआ। हाथ अगर गंदे हो गए तो पानी से धोए जा सकते हैं, कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ किया जा सकता है, पर शिव कथा कहती है अगर मन गंदा हो जाए तो न पानी से साफ होता है न साबुन से साफ होता है, अगर मन गंदा हो जाए तो केवल सत्संग से ही साफ हो सकता है, बाकी का किसी से साफ नहीं, उसके सिवाय साफ नहीं हो सकता। और सत्संग में पहुंचना या सत्संग में जाना या सत्संग श्रवण करने में भी सामर्थ्यता चाहिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। मारा कथा बाचने वाला या कथा करवाने वाला जितना प्रबल नहीं होता उतना कथा सुनने वाला प्रबल होता है, बहुत ध्यान दीजिए। ये गिरिराज बाबा का जो पावन मंदिर है, गिरिराज धरण मंदिर, जब कथा के पंडाल में आप प्रवेश करते हैं, दरवाजे पर जब आते हैं, कथा में शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में वही पहुंच पाता है जिसने अपना अहंकार, अपनी अभिमत्ता, अपना अहम घर के दरवाजे पर छोड़ कर आया हो। और कथा में जब गिरिराज बाबा के मंदिर में आप चौखट पर जब प्रवेश कर ऊपर चढ़कर दो सीढ़ी चढ़कर जब इस पावन प्रांगण में आते हैं तो कोई अहंकार करने वाला व्यक्ति तो बाहर ही रह जाता है, पर जो अभिमत्ता से विहीन हो गया, अहंकार से जो चला गया, केवल वही कथा में पहुंच पाता है, केवल वही कथा में। जिसको हम मनुष्य चुनता है, जिसको हम मानव चुनता है, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। भगवान चुना है इसलिए बैठे हो, इसलिए बैठे। और फिर निवेदन करूंगा, मैं फिर आपसे कहूंगा, इस शिव महापुराण को आप साधारण ना समझे, गिरिराज बाबा की साक्षी है, भोलेनाथ जी भी बैठे हैं, स्वयं ठाकुर राधा रानी के साथ बैठे हैं, शंकर भगवान की कथा चल रही है, चारों तरफ भगवान शंकर का नाम स्मरण है। इस पंडाल में केवल ये पंडाल नहीं है महाराज जी, ये केवल पंडाल को इसको परिभाषित नहीं कर सकते,
हमारे यहाँ एक सुंदर सी बात कही जाती है, दूध को अगर बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज के अंदर रख दो, सही है कि गलत है? सब्जी को बेकार नहीं होने देना, आप भी आई होगी तो काय में रख के आई होगी, बोलो तो दी, फ्रिज में रख के आई हो ना, बेकार नहीं होगी, जाओगी शाम को गर्म कर कर फिर काम में ले लोगे। तो ये केवल केवल पंडाल नहीं, ये फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर आकर जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ये पक्का। जो फ्रिज के बाहर है उसकी गारंटी नहीं, पर फ्रिज के अंदर है तो सड़ेगा तो नहीं। तो तुमसे कोई पूछे यहां से जाने के बाद कहां गई थी, तो कहना फ्रिज में बैठी थी, पर उसको बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी अलमारी फ्रिज की जालियां निकाल के अंदर बैठ जाए, उसका क्या ठिकाना।